हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे एन क्लास सिक्स साइंस चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक का क्वेश्चन आंसर्स तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स देख लेते हैं कॉटन उल, फैब्रिक फाइबर नाइटिंग स्पिनिंग विबिंग यार्ड अब है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक तो देखिए क्लासीफाई करना है नेचुरल फाइबर्स को और सिंथेटिक फाइबर्स को अलग अलग बांटना है अब देखिए नाइलॉन ऊल कॉटन सिल्क पॉलिस्टर जूट तो आंसर लिखेंगे देखिए नेचुरल फाइबर्स क्या है ऊल कॉटन सिल्क जूट अब सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन पॉलिस्टर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स अब देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स तो ट्रू स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स फॉल्स जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट फॉल्स The process of removing seed from coconut is called ginning. True. The weaving of yarn makes a piece of fabric. True. The silk fiber is obtained from the steam of a plant. False. Polyester is a natural fiber. False. Now fill in the blanks. So plant fibers are obtained from कॉटन एंड जूट अब बी नंबर में है कि एनिमल्स फाइबर्स आर ऊल एंड सिल्क फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लाट कॉटन एंड जूट आर ऑपटेंट तो एंसर लिखेंगे कि कॉटन इज ऑपटेंट फ्रॉम द फ्रूट पार्ट ऑफ प्लांट एंड जूट इज ऑप्टेंट फ्रॉम द स्टीम ऑफ द प्लांट अब है नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर तो आंसर है कि गन्नी बैग्स एंड रॉप Explain the process of making yarn from fiber. Answer Yarn can be made from fiber by the process called spinning. From the mass of cotton, fibers are drawn and twisted, which brings together the fibers to form a yarn. तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर्स जो कंप्लीट हो चुका है अब आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं अगर नहीं आया तो आप कमेंट के द्वारा भी मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको समझ में आया अच्छा लगा पढ़ के तो आप मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो